तो फ्रेंड्स, आज तारीख हो चुकी है 27 जनवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, आईपीएल की ट्रेडिंग विंडो को लेकर और सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर आज आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर कौन सी 8 बड़ी खबरें और कौन से 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। तो ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जो आज 8 बड़ी खबरें निकल कर रही, इनमें जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है आकाश चोपड़ा की तरफ से। दरअसल आकाश चोपड़ा ने यहाँ पर 2 IPL टीमों को लेकर ऑक्शन से पहले बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन्होंने CSK की टीम को लेकर और RCB टीम को लेकर ऑक्शन से पहले एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। जहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले CSK की टीम की, तो आकाश चोपड़ा ने ऑक्शन से पहले CSK की टीम को रिकमेंड किया है कि CSK की टीम के पास जो एक विदेशी स्लॉट बचा है, यानी ये टीम जो केवल एक विदेशी प्लेयर को ऑक्शन में परचेस कर पाएगी, उस विदेशी प्लेयर के रूप में इस टीम को स्टीवन स्मिथ को परचेस करना चाहिए, ताकि इस टीम की जो फ्यूचर कैप्टनसी की समस्या है वो समाप्त हो जाए। और MS धोनी और स्टीवन स्मिथ एक बार फिर भी IPL में साथ खेल चुके हैं, 2016-2017 में IPL में साथ खेल चुके हैं। इवन स्टीवन स्मिथ की कप्तानी में राइजिंग पुणे सुपर जेंट्स की टीम IPL फाइनल भी खेल चुकी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर CSK की टीम को आकाश चोपड़ा ने रिकमेंड किया कि यहाँ पर IPL ऑक्शन में जो एक विदेशी स्लॉट बचा है, उसमें स्टीवन स्मिथ को परचेस किया जाए। जहां पर CSK की टीम ग्लेन मैक्सवेल, स्टीवन स्मिथ और एरोन फिंच को टारगेट कर रही है, इन तीन में से किसी एक प्लेयर को ये टीम कंफर्म रूप से परचेस करेगी। तो आप कमेंट करें आपके अकॉर्डिंग CSK की टीम को आखिर कौन से प्लेयर को परचेस करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें RCB की टीम की, तो आकाश चोपड़ा ने RCB की टीम को लेकर भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने RCB की टीम को भी एक सजेशन दिया, इन्होंने बताया है कि RCB की टीम के पास जो 34 और 35 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा है, और इन पैसों में जो इस टीम को 10 से 11 प्लेयर परचेस करने हैं, उसमें से इस टीम को मिचेल स्टार्क के पीछे कंफर्म रूप से जाना चाहिए और 14 से 15 करोड़ तक मिचेल स्टार्क को परचेस करने का ट्राई करना चाहिए। इवन अगर 1-2 करोड़ और खर्च करने पड़े, तो भी इस टीम को खर्च करके मिचेल स्टार्क को परचेस करना चाहिए। और उसके बाद अगर इस टीम के पास अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल को भी इस टीम को परचेस करना चाहिए, ताकि इस टीम की यहाँ पर 80-90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। तो यहाँ पर आकाश चोपड़ा ने CSK की टीम को लेकर, RCB की टीम को लेकर ऑक्शन से पहले बड़े स्टेटमेंट्स दिए। वैसे आप कमेंट करके बताइए, आप यहाँ पर आकाश चोपड़ा के इस स्टेटमेंट से सहमति रखते हो या फिर नहीं। इसके बाद बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है ICC टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर। दरअसल ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की डेट कंफर्म हो चुकी है। कल ICC ने अनाउंस कर दिया है कि 18 जून से लेकर 22 जून के बीच इस टूर्नामेंट का हमें फाइनल देखने को मिलेगा, जो कि लॉर्ड्स के ग्राउंड में खेला जाएगा। और अभी जो टेस्ट की पॉइंट्स टेबल बनी हुई, इसमें जो टॉप 2 टीम रहेगी, उन दोनों टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा। जहां पर नंबर 1 पर अभी हाल फिलहाल में टीम इंडिया बनी हुई, जबकि नंबर 2 पर न्यूजीलैंड की टीम बनी हुई। हो सकता है टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हमें 18 जून से 22 जून के बीच यहां पर इंग्लैंड में इस टूर्नामेंट का फाइनल देखने को मिले। इन दोनों टीमों के बीच ही मोस्ट लाइकली हमें इस टूर्नामेंट का फाइनल देखने को मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी टीमों के बीच आखिर ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा और कौन सी टीम ये टूर्नामेंट जीतेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर। दरअसल IPL ऑक्शन के लिए ग्लेन मैक्सवेल अब पंजाब से रिलीज होने के बाद दोबारा से अपना नाम सबमिट कर चुके हैं, और इनको लेकर यहाँ पर अजीत अगरकर ने और यहाँ पर स्कॉट स्टाइरस ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। जहाँ पर अजीत अगरकर ने यह बताया है कि ग्लेन मैक्सवेल इस IPL ऑक्शन में एक बार फिर से 10 करोड़ के करीब जाएंगे, एक बार फिर से इनकी बोली 9-10 करोड़ रुपए इजिली चली जाएगी। कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर अजीत अगरकर ने ऑक्शन से पहले दिया है। उन्होंने बताया कि ऑक्शन में ज्यादा विदेशी प्लेयर नहीं आएंगे, इसी वजह से ना चाहते हुए भी टीमों को ग्लेन मैक्सवेल की बोली लगानी पड़ेगी। और RCB राजस्थान जैसी टीमें और भी काफी सारी टीमें इनको परचेस करने का ट्राई करेगी, इसी वजह से इनकी 10 करोड़ बोली जाएगी। जबकि स्कॉट स्टाइरस ने यहाँ पर इनके विपरीत स्टेटमेंट दिया। स्कॉट स्टाइरस ने यह बताया है कि टीमों ने यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल पर ऑलरेडी हर साल काफी अधिक पैसे लगाकर अपना स्क्वाड खराब किया, अपना पर्स बैलेंस खराब किया है, और पिछले 6-7 सालों से IPL में कंप्लीटली फ्लॉप
टॉप रहे हैं। इसी वजह से टीमों को अब ग्लेन मैक्सवेल पर ज्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए और इनको अपनी बेस प्राइस के आसपास खरीद लेना चाहिए, जहां पर अगर ये 2 करोड़ अपनी बेस प्राइस सेट करते हैं तो टीमों को मैक्सिमम 4 करोड़ के आसपास इनको परचेस कर लेना चाहिए। अगर उससे ऊपर बोली जाती है या फिर अगर टीमें इनको 8 से 10 करोड़ रुपए देगी तो टीमों की बड़ी बेवकूफी होगी। अगर आरसीबी की टीम 10 करोड़ में इनको परचेस करेगी या फिर कोई भी टीम इनको 8-10 करोड़ में परचेस करेगी तो बड़ी बेवकूफी वो टीम है करेगी, क्योंकि आईपीएल में हमेशा ही फ्लॉप रहे, कुछ सीजन को छोड़कर ये आईपीएल में कंप्लीटली फ्लॉप रहे, ऐसा स्टेटमेंट स्कॉटिश टायरस ने दिया है। आप कमेंट करके बताइए आप कौन से क्रिकेटर के स्टेटमेंट से सहमति रखते हो, आप अजीत अग्रवाल से सहमति रखते हो या फिर स्कॉटिश टायरस से सहमति रखते हो। इसके बाद अगर हम बात करें चौथी बड़ी खबर की, तो जो चौथी बड़ी खबर निकलकर आती है वो आती है एमएस धोनी की तरफ से। दरअसल एमएस धोनी ने अहमदाबाद में अपनी क्रिकेट एकेडमी शुरू कर दी है और वहां पर अब एमएस धोनी यंग क्रिकेटर को हमें ग्रूम करते हुए दिखेंगे, जहां पर काफी अधिक फैसिलिटीज इन्होंने यहां पर यंग क्रिकेटर को वहां पर प्रोवाइड करवाई है और काफी कम पैसों में एमएस धोनी इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग वहां पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहां पर अहमदाबाद में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, वो वहां पर एमएस धोनी से क्रिकेट सीख सकते हैं, एमएस धोनी की क्रिकेट एकेडमी में वो क्रिकेट सीख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है बेन स्टोक्स की तरफ से। दरअसल बेन स्टोक्स की ट्रेड को लेकर कल एमआई के एक फैन ने ट्वीट किया था, जहां पर एमआई के इस फैन ने अपनी टीम मुंबई इंडियंस से मांग करी थी कि एमआई की टीम को इस ट्रेड विंडो में बेन स्टोक्स को ट्रेड करना चाहिए, बेन स्टोक्स को ट्रेड करके अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहिए, कुछ ऐसा ट्वीट इन्होंने मुंबई इंडियंस को टैग करके किया था। और इसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रिप्लाई करते हुए ये इमोजी ट्वीट किया, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस ट्रेड के लिए इस फैन को साफ तौर पर मना कर दिया है। यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम बेन स्टोक्स, जोस बटलर जैसे अपने बड़े प्लेयर्स को ट्रेड नहीं करना चाहती, ये साफ राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कर दिया है। लेकिन हो सकता है अगले साल जब मेगा ऑक्शन होगा उस ऑक्शन में हो सकता है बेन स्टोक्स एमआई की टीम में आ जाए या फिर किसी और टीम में चले जाए। इस साल एमआई की टीम इनको ट्रेड नहीं कर पाएगी, खुद राजस्थान रॉयल्स की टीम स्टोक्स को ट्रेड नहीं करना चाहती है। इसके बाद अगर हम बात करें छठी बड़ी खबर की, तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है शिवम दुबे की तरफ से। दरअसल आकाश चोपड़ा और भी काफी सारे क्रिकेटर्स ने यहां पर शिवम दुबे को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बताया है कि यहां पर इंडिया में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की कमी होने के कारण इस ऑक्शन में शिवम दुबे की भी काफी अच्छी बोली लगेगी, जहां पर ऑलरेडी ये 2 IPL सीजन खेल चुके हैं, इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है। इसी वजह से अब टीम इनके पीछे भागेगी, टीम इनको परचेस करने के लिए ऑक्शन में वापस से 5-7 करोड़ रुपए तक खर्च कर देगी, कुछ ऐसा स्टेटमेंट यहां पर आकाश चोपड़ा और भी काफी सारे क्रिकेटर्स ने दिया है। और यहां पर अगर हम बात करें शिवम दुबे को टारगेट कर रही टीमों की, तो ऑक्शन से पहले ये स्पष्ट है कि राजस्थान, पंजाब और केकेआर जैसी टीमें इनको टारगेट कर रही हैं। इन तीन में से किसी एक टीम में इनकी 100% कंफर्म रूप से एंट्री होगी। हो सकता है आरसीबी की टीम दोबारा से इनको परचेस कर ले, लेकिन ऑक्शन में 4-5 करोड़ इनकी बोले जाना कंफर्म बताई जा रही है और इन टीमों में से किसी एक टीम में अब शिवम दुबे की एंट्री होना कंफर्म है। आप कमेंट करें आपके अकॉर्डिंग कितने करोड़ में इस ऑक्शन में शिवम दुबे बिकेंगे और कौन कौन सी टीमें इनको टारगेट करेगी, कौन सी टीम में इनकी एट द एंड एंट्री होगी, आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। दरअसल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने स्पोर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को लेकर अपनी तरफ से 2 कोर्सेज शुरू कर दिए। इन कोर्सेज में ये टीम 4-6 हफ्ते के अंदर यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को ये सब कुछ सिखाएगी कि आखिर किस तरीके से स्पोर्ट्स को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से टीमें बिल्ड करी जाती है, किस तरीके से पेड कैंपेनिंग चलाई जाती है। तो कुछ इस तरीके का कोर्स अब राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आईपीएल से पहले शुरू कर दिया और इस कोर्सेज में अगर ये कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट करती है तो वो स्टूडेंट्स अब इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं, इस टीम के साथ काम भी कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर इस कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है पुजारा और अश्विन की तरफ से। दरअसल रवि अश्विन ने यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा को इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज से पहले एक बड़ा चैलेंज कर दिया है। इन्होंने बता दिया कि सीरीज के दौरान अगर चेतेश्वर पुजारा किसी भी स्पिन गेंदबाज को छक्का लगाते हैं, सिक्सर लगाते हैं, तो रवि अश्विन अपनी आधी मूछ शेव कराकर सभी मैचेस खेलेंगे। यानी अगर पहले दूसरे किसी भी टेस्ट के दौरान अगर चेतेश्वर
चेतेश्वर पुजारा ने यहाँ पर इंग्लैंड के किसी भी स्पिनर को छक्का लगा दिया तो अश्विन अपनी आधी मोच शेव कराकर बचे हुए सभी टेस्ट मैच या फिर पूरी सीरीज खेलेंगे। कुछ इस तरीके का चैलेंज यहाँ पर इन्होंने चेतेश्वर पुजारा को दे दिया है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग चेतेश्वर पुजारा ये चैलेंज पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, इस सीरीज में एक छक्का लगा पाएंगे या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करे लाइक और चैनल को जरूर करे सब्सक्राइब।